गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग फ्रॉम द बुक ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग। इसको आप सत्ता का विभाजन भी कह सकते हैं और शक्ति का बंटवारा भी कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, पावर शेयरिंग से। दो स्टोरीज दी गई हैं, दो एग्जांपल्स दिए गए हैं बेल्जियम और श्रीलंका के। बेल्जियम और श्रीलंका में एक ऐसी सिचुएशन बनी थी कि ये आपके दोनों उदाहरण लिए गए हैं कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, और अगर पावर शेयरिंग अगर नहीं होती है, अगर आप सत्ता का बंटवारा नहीं करते हैं एक सही हिसाब से, तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रोज और क्या कॉन्स हैं, इसके बारे में हम दोनों की स्टोरी पढ़ने के बाद डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, द लग्जमबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 crore, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। अनदर 40% पीपल लिव इन द वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इस हिसाब से कि 50% आपका फेमिनिन रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अदर 40% आपके वलोनियम रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% आपके जर्मनी स्पीकिंग लोग हैं। ब्रुसेल्स जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ 80% आपका फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं और 20% आपका डच स्पीकिंग लोग रहते हैं, बोलने के हिसाब से, पूरी जनता के हिसाब से नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है और सबसे कम जर्मन बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले थोड़ा इससे कम। लेकिन उसके बावजूद जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, उनकी पहुंच यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। बेल्जियम आपका बहुत छोटी कंट्री है यूरोप में। इसके बॉर्डर्स आपके लगते हैं नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग साथ में। स्टेट आपका लगभग हरियाणा के बराबर है, लगभग हरियाणा के बराबर है। पॉपुलेशन आपकी हरियाणा की लगभग आधी है ना। इसका जो कंपोजिशन है, यहाँ पे जो जिस हिसाब से लोग रहते हैं, अलग अलग एरियाज में रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बैरियर्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग बोलते हैं। जब भी आप किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करेंगे, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो आपकी क्षेत्रवाद की है। क्षेत्रवाद की दिक्कत है, जातिवाद की दिक्कत है, धार्मिक दिक्कतें हैं। लोग अपने जिस इलाके में रहते हैं उसको ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंसेस देते हैं, उसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं दूसरे इलाके को। ये देखिए, क्षेत्रवाद की और जातिवाद की दिक्कत तब आ जाती है, आप अपनी जाति को सपोर्ट करें, आप अपने कास्ट को सपोर्ट करें, आप जिस जगह पर रहते हैं, आप जिस स्टेट पर रहते हैं, आप उसको सपोर्ट करें, आप जो लैंग्वेज बोलते हैं आप उसको सपोर्ट करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप अपनी लैंग्वेज या फिर आप जिस जगह पर रहते हैं या आप जिस कास्ट के हैं, आप उसको सपोर्ट करते करते आप दूसरों को जब हीन भावना से देखने लगते हैं, जब आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उसे बेइज्जत करते हैं, तो फिर यहाँ पे क्षेत्रवाद की और जातिवाद की समस्या है वो सर उठाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो आपका बेल्जियम में आपका यही चीज़ हुई है। हरियाणा की लगभग स्टेट है, हरियाणा की लगभग 1 crore की लगभग इसकी जनसंख्या है, आबादी है बेल्जियम की, जो कि हरियाणा से लगभग आधी है। और 59% आपका फ्लेमिश रीजन पे रहते हैं, डच बोलते हैं। 40% आपका वलोनिया में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। 1% आपके टोटल जर्मन बोलते हैं बेल्जियम में। और जो इनकी ब्रुसेल्स कैपिटल है, वहाँ पे लगभग जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वॉज
resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in a country but a minority in the capital. French speaking जो लोग थे वो काउंटिंग में तो कम थे, उनकी संख्या तो कम थी, लेकिन उनके पास कैपिटल ज़्यादा थी, उनके पास वो रिच ज़्यादा थे, उनके पास पावरफुल पावर्स ज़्यादा थी. लेकिन इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उनके पास जनता तो ज़्यादा थी, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा थी, परसेंटेज में वो ज़्यादा थे, लेकिन उनके पास एजुकेशन और जो आपका पैसा वगैरह है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन वगैरह है, वो थोड़ा सा देर से आया. तो इसकी वजह से इनमें नाराज़गी दोनों के बीच में बनी रह गई. साथ में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में 1950-60 में आपका दोनों देशों के बीच में, दोनों लोगों के बीच में क्लैश बढ़ने लगा, मतभेद बढ़ने लगे. दोनों के बीच में मतभेद बढ़ने लगे और इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट था वो इनकी कैपिटल में, जो ब्रुसेल्स में था, वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका देखने को मिला. स्थिति इनकी बिगड़ती चली आ रही थी, ये गृह युद्ध के कगार पे थे, लेकिन गृह युद्ध इनका हो पाता उससे पहले इन्होंने, इनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ खास कदम उठाए थे, उसको हम आगे देखेंगे. लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री. श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. इट हैज़ अबाउट 2 crore पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन. श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीकर्स 18%. अमॉन्ग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स 13%. द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स. देर आर अबाउट 7% क्रिश्चन्स हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला. इस मैप में आप देख सकते हैं आपका ये 4 पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, सिन्हालास दिए हुए हैं, श्रीलंकन तमिल हैं, इंडियन तमिल हैं एंड मुस्लिम्स हैं. उनके सामने कलर्स दिया हुआ है और इस मैप में आप कलर्स डिस्कवर कर सकते हैं. सिन्हालास का जो एरिया है वो येलोस है और सबसे बड़े एरिया पे यही रहते हैं. श्रीलंकन तमिल आपका ऑरेंज है, देख सकते हैं वो कोस्टल एरियाज़ पे ज़्यादा आपको दिख रहे हैं, नॉर्दर्न ईस्ट पे ज़्यादा आपको मिल जाएंगे. इंडियन तमिल्स जिनकी संख्या और भी कम है वो बीच वाले इलाके पे हैं और अपर साइड पे हैं. मुस्लिम्स की भी संख्या आप देख ही सकते हैं. अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप विज़िट कर सकते हैं www.government.lk. श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो अपने देश से, तमिलनाडु का जो आपका साउदर्न तट है उससे लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है. इसकी आबादी लगभग, इनकी पॉपुलेशन श्रीलंका की तकरीबन 2 crore है, लगभग हरियाणा के बराबर है. साउथ एशिया के और भी देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी बहुत सारे अदर कास्ट के लोग रहते हैं. सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो जिनकी पॉपुलेशन है श्रीलंका में उनको सिन्हाला कहा जाता है. तकरीबन उनकी जो पॉपुलेशन है वो 74% है. फिर उसके बाद तमिल्स का नंबर आता है, उसकी उनकी जो कुल आबादी है वो 18% है. तमिल्स में भी तकरीबन 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक आपका जो श्रीलंका के मूल तमिल हैं और दूसरे आपके जो इंडिया से गए हुए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब ब्रिटिश आपके
कब्जा करके रखे हुए थे श्रीलंका और भारत दोनों पे। तो यहाँ वो एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को ट्रांसफ़र करते थे काम काज के हिसाब से। तो श्रीलंका में प्लांटेशन के हिसाब से वहाँ पे भी लोग आपका ओपियम वगैरह जब ब्रिटिशर्स उगाते थे वहाँ पे श्रीलंका में, तो प्लांटेशन के लिए हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के जो तमिल्स थे उनको भेजा जाता था। तो आज के टाइम पे जो वहाँ पे तमिल्स हैं वो हिंदुस्तान के ही जो वर्कर्स गए थे, तमिल्स वर्कर गए थे उन्हीं के बच्चे हैं और वहाँ पे वो लोग हैं, ठीक है। तो जो तमिल मूल के हैं वो तकरीबन 13% हैं और बाकी जो बसते हैं वो हिंदुस्तानी तमिल हैं, ओके। श्रीलंका के आपके जो नक्शे पे अगर आप देखेंगे तो तमिल आपके मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में ज़्यादा पाए जाते हैं। जो सिंगली तमिल हैं, तमिलनाडु में जो सिंगली प्रजाति के लोग रहते हैं वो अधिकतर बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि जो तमिल भाषी लोगों में से जो लोग हैं वो आपके हिंदू हैं और कुछ मुसलमान भी हैं। श्रीलंका की आबादी में आपका जो क्रिश्चियनिटी है उसका हिस्सा लगभग 7% है और वो सिंगली और तमिल दोनों भाषाओं को अच्छे से बोल पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज फर्दर। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड द इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति में क्या होता है। बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग लोग हैं अपनी मेजॉरिटी के चलते जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और जर्मन स्पीकिंग लोगों के ऊपर अपनी जो भी उनकी इच्छाएं होती वो उनके ऊपर थोप देते कि भाई जैसा हम कहते हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। इससे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो भेदभाव था वो और भी बढ़ जाता। संभव था कि इस ब्रुसेल्स के या फिर बेल्जियम के दो टुकड़े हो जाते और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता वो ब्रुसेल्स के ऊपर पड़ता, है ना। इसी तरह आपका श्रीलंका में जो 74% की आबादी सिंगली की है उसका बहुमत और ज़्यादा था। वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ अब इसको आगे जानते हैं, है ना। इस वाले पॉइंट पे अपन आते हैं। मेजॉरिटीज़म इज़ इन श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का क्या असर पड़ा इसको देख लेते हैं। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाई वर्चू ऑफ देयर मेजॉरिटी। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। 1948 में आपका श्रीलंका आज़ाद हुआ था और इसके जो लीडर्स थे वो सीधी सी बात है इनके पास कम्युनिटी ज़्यादा थी सिन्हाला की और इन्होंने अपना राज स्थापित करना चाहा। आपका इलेक्शन हुए, सिन्हाला साहब के पॉलिटिकल लीडर्स बने और इन्होंने कई सारे ऐसे कदम उठाए। बहुसंख्यकवाद का जो इनका था इन्होंने सारे बाकी जो कम्युनिटीज उनके ऊपर थोप दिया। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने किया क्या। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को तमिल जो लैंग्वेज थी उसको किनारे करके, उसे नज़रअंदाज करके जो सिंगली लैंग्वेज थी उसको एकमात्र आपका इस देश की नेशनल लैंग्वेज के तौर पे चूज़ किया गया। जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ थी या गवर्नमेंट जॉब्स थी उसमें आपका जो सिंगलीज थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंसेस दिया गया, उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई। एक जो नया संविधान था उसमें ये भी आपका प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को ऑफिशियल
रिलीजियस के तौर पे मानेगी और इसको संरक्षण देगी और इसे बढ़ावा भी देगी. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स. दे फेल्ट दैट नॉन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाई द बुद्धिस्ट निराला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड दे आर इंटरेस्टेड. एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम. गवर्नमेंट ने जितने भी मेजर्स उठाए, जितने भी निर्णय लिए, जितने भी नए संविधान में प्रावधान बनाए गवर्नमेंट बनने के बाद, जितना उन्होंने सिंघलियों के पक्ष में काम किया और तमिल्स को दरकिनार किया और उनकी अनदेखी की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देखा जा सके, तो इससे तमिल्स के मन में एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने क्या कि मतलब धीरे धीरे दोनों के बीच में मतभेद आपके आपस में बढ़ते चले गए. उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म की जो सिंघलियों के नेतृत्व में बनी सरकार है, जो राजनीतिक पार्टी है, वो तमिल्स की लैंग्वेज और जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको लेकर इररिस्पॉन्सिबल है, संवेदनशील नहीं है. उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से वंचित कर रही है. नौकरी और भी जो भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट थे, उन सभी कामों में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और उनके हितों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके इंटरेस्टेड को देखा नहीं जा रहा है. और इसका परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंगली समुदाय के बीच में हालात बिगड़ते चले गए. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनोमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनोमी टू प्रोविंसियस पॉपुलेटेड बाई द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड. बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट तमिल एलम मीन्स स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका के जो तमिल्स थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, अपनी राजनीतिक पार्टीज़ बनाई, उन्होंने अपनी खुद की अंतरिम सरकार बनाई. और ये सब उन्होंने इसलिए किया कि उन्हें मतलब उनकी कुछ डिमांड्स थी कि तमिल जो लैंग्वेज है उसे राजभाषा बनाई जाए, नेशनल लैंग्वेज बनाई जाए, उनको अपनी इज्जत बरकरार रखनी थी, डिग्निटी बरकरार रखनी थी, एजुकेशन और जो भी जॉब गारंटीज़ थी उसमें इक्वल सभी को समान अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. इसके लिए उन्होंने इस मांग को लेकर, इस डिमांड्स को लेकर संघर्ष करना स्टार्ट किया. लेकिन सिंघलीज के द्वारा, जो उनकी गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा इनको सीधा सीधा नकार दिया गया. जब ये अनदेखी की गई तो इससे आपका धीरे धीरे श्रीलंका गृहयुद्ध की तरफ बढ़ता चला जा रहा था. आप अगर श्रीलंका के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो गवर्नमेंट्स ज़रूर मिलेंगी. एक आपका सिंघली गवर्नमेंट जो श्रीलंका चलाती थी, दूसरा तमिल्स की गवर्नमेंट थी, जिसको मान्यता दिलवाने के लिए ये लोग अलग अलग देशों में जाते थे और उनसे डिमांड करते थे कि आप इसमें इंटरफेयर करें और हमको इंटरनेशनल तौर पे मान्यता दिलवाएं कि हाँ हम भी एक गवर्नमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं. 1980s में आपका नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में आपका स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर बहुत सारे राजनीतिक संगठन बने. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. You have read chapter 1 of economics textbook class 10th about Sri Lanka. Excellent records of economic development, education and health. But the civil war has caused a terrible setback to the social, culture and economic life of the country. It ended in 2009. इन सभी दोनों जो समुदाय थे, दोनों जो आपके लोग थे, चाहे वो सिंगलीस हों चाहे वो तमिल्स हों, इन दोनों की आपसी
समझ और सूझ की वजह से, मतलब आपसी समझ न बैठ पाने की वजह से, अच्छी एक कम्युनिकेशन नहीं बन पाने की वजह से, इन दोनों के बीच में टकराव आपका बढ़ता चला गया और ये टकराव धीरे धीरे आपका सिविल वॉर, जो आपका एक गृहयुद्ध कहलाता है, उसमें आपका गृहयुद्ध बढ़ने लगा। किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा लगने लगे, तो उसे हम गृहयुद्ध कहते हैं। ठीक है, तो जब आपका गृहयुद्ध होने लगा तो दोनों ही पक्ष के तरफ से, दोनों ही पार्टीज की तरफ से बहुत सारे लोग मारे गए, कई सारे लोगों को इन्फोर्स किया गया कि आप ये देश छोड़ दें, कई सारे लोगों को वहाँ से भागना पड़ा, शरणार्थी के तौर पे किसी दूसरे देश में रहना पड़ा, इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी चौपट भी हो गई। श्रीलंका का रिकॉर्ड कितना अच्छा है हम ये जब इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ेंगे उस पर देख लेंगे। और वहाँ की गृहयुद्ध की वजह से वहाँ का जो सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा भी, बहुत बैकफुट पे आया, और ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई जाके 2009 पे, है ना। एकमेंडेशन इन बेल्जियम, द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ रिलीजियन डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज बिटवीन 1970 to 1993। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out in different form any other country and is very innovative. Here are some the elements of the Belgian model. Belgium के नेताओं ने श्रीलंका से, श्रीलंका के रास्ते से एक अलग रास्ता अपनाया। इन्होंने अपने जो रिलीजियन डिफरेंसेस थे, फिर जो भी आपकी कल्चरल डाइवर्सिटीज थी, इससे निपटने के लिए इन्होंने 1993 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अलग अलग टाइम पे उसमें अमेंडमेंट जोड़े, उसे थोड़ा सा संशोधित किया। और संशोधित करने के बाद ये इंश्योर किया कि यहाँ पे रहने वाला कोई भी लोग है, चाहे वो अलग धर्म का हो या फिर अलग लैंग्वेज बैरियर का हो, उसे अकेलापन नहीं लगना चाहिए, उसे इस देश से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और वहाँ यहाँ पे लोग सभी लोग मिलजुल कर रहें, इसके लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। इसके लिए जो व्यवस्था की गई वो बहुत ही, मतलब लोग ऐसा सोचते नहीं हैं कि ऐसा हो सकता है, बहुत सारे देश ऐसी व्यवस्था करते भी नहीं हैं, कि जिस तरह से उन्होंने सत्ता का बंटवारा किया था, जिस तरह से उन्होंने पावर शेयर की थी दोनों रिलीजियस के बीच में, दोनों लैंग्वेजेस के बीच में, उसको हम कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली। संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें डच और फ्रेंच लैंग्वेजेस के जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर 20 टोटल उसमें सीट्स हैं तो 10-10 होंगे, 10 आपके फ्रेंच होंगे, 10 आपके डच होंगे। ठीक है, कुछ जो स्पेशल लॉज हैं वो तभी बन सकते हैं जब दोनों लैंग्वेजेस वाले जो मिनिस्टर्स हैं, जो सांसद हैं, उनका बहुमत होगा, तभी जो मेजॉरिटी होगी मिनिस्टर्स की दोनों की, तभी आपके कुछ लॉज आपके बन सकते हैं। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते हैं। अगर दोनों की संख्या बराबर होगी तब फिर तय है कि आपको दोनों को आपस में डिस्कस करना पड़ेगा, दोनों को किसी एक पॉइंट पे पहुंचना होगा, तब जाके वो आपका कोई भी स्पेशल लॉ आप पास कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। सेकेंड है आपका, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की जो बहुत सारी पावर्स थी वो देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को बांट दी गई,
इसका मतलब ये है कि राज्य सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पे काम नहीं करेंगी, वो स्टेट गवर्नमेंट्स आपकी इंडिपेंडेंट हैं, वो जैसा फैसला लेना चाहती हैं वो वैसा फैसला ले सकती हैं। ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ब्रसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का रिप्रेजेंटेशन बराबर है। जो आपका फ्रेंच लैंग्वेज वाले लोग हैं उन्होंने ब्रसेल्स में आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव वाला, उसको इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि जो डच स्पीकर्स हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में इस कॉन्सेप्ट को माना है कि दोनों के जो मिनिस्टर्स होंगे, दोनों लैंग्वेजेस के जो मिनिस्टर होंगे वो बराबर होंगे। ओके, एक जो यहाँ फोटो आपको दिख रही है, द फोटोग्राफ हियर इज़ द हियर इज़ ऑफ ए स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम। यू विल नोटिस दैट प्लेस नेम्स एंड डायरेक्शंस इन टू लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड डच। तो यहाँ पे जो आपको दिख रही है इसमें दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है, मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दिया गया है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि लोगों की डिग्निटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और सभी को जो समान अवसर मिलते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं आती है। लास्ट पॉइंट है आपका, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई पीपल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज कम्युनिटी। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पे एक थर्ड फेज की गवर्नमेंट है जो कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है, सामुदायिक सरकार है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा वाले लोग करते हैं, जैसे डच वाले हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन वाले जो लोग हैं समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, जो आपका कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी फैसले लेने होते हैं उसका अधिकार ये थर्ड टाइप काइंड ऑफ गवर्नमेंट के पास होता है। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन द बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्क्ड वेल सो फार। दे हेल्प्ड टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। When many countries of Europe came together to form a European Union, Brussels was chosen as its headquarters. इसको नोट कर लीजिएगा। आपको बेल्जियम का जो मॉडल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, और ये कॉम्प्लिकेटेड है भी। जो खुद के बेल्जियम के लोग हैं ये उनके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये जो व्यवस्था है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सफल मानी जा सकती है। इससे हुआ ये कि जो ब्रसेल्स है वो बेल्जियम है वो गृहयुद्ध की स्थिति से बाहर निकल आया, वहाँ पे गृहयुद्ध जैसी स्थिति नहीं बन पाई, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो ये देश आपका दो टुकड़ों में विभाजित होता ही होता, साथ में जो ब्रसेल्स है ब्रसेल्स भी आपका दो हिस्सों में विभाजित हो ही जाता, क्योंकि वहाँ पर भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग रहते थे और फ्रेंच स्पीकर्स भी ब्रसेल्स भी आपका दावा ठोंकते ठोंकते भाई हम भी यहाँ रहते हैं, तो इसके भी दो हिस्से क्यों ना किया जाए। लेकिन यूरोपियन यूनियन आपका जब फॉर्म हुआ था तो ब्रसेल्स को चूज़ किया गया था यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर के तौर पे, और अगर बेल्जियम के दो हिस्से होते, ब्रसेल्स के दो हिस्से होते, तो इनको फिर से यही प्रक्रिया दोबारा फिर से करनी पड़ती है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता, तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा किया था। वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। Both are democracies, yet they deal with the question of power sharing differently. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings of interest of different communities and regions.
such a realization resulted in mutually acceptable agreements for sharing power. Sri Lanka shows as a contrasting example. It shows us that a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share powers. It can undermine the unity of the country. बेल्जियम और श्रीलंका की जो कहानी हमने पढ़ी है उससे हमको क्या क्या शिक्षा मिलती है, हम दोनों से क्या सीखते हैं? दोनों ही देश आपके डेमोक्रेटिक हैं, फिर भी सत्ता में जो बंटवारा है या पावर शेयरिंग का जो मामला है, उन्होंने दोनों ही देशों ने अलग अलग ढंग से इसको निपटाया है, ठीक है। जहाँ पे बेल्जियम के नेताओं को लगा कि जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बैरियर्स के जो लोग हैं, उनको हम तभी एक ही सूत्र में बांध के रख सकते हैं जब दोनों की इंटरेस्टेड को हम ध्यान से देखें और उनको हम पूरा भी करवाएं, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको हमको पूरा करवाना चाहिए। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष, दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं वो पॉलिटिक्स में एक साझेदार बन के आगे बढ़ी और दोनों को सत्ता का सुख भोगने को मिला। दोनों ही अपने अपने हिसाब से अपने निर्णय ले सकती हैं और इससे ब्रुसेल्स की जो एकता थी वो बची रह गई और जो बेल्जियम था वो पूरा का पूरा देश गृहयुद्ध में जाने से बच गया। लेकिन श्रीलंका ने हमको ठीक हमको उल्टा एक परिदृश्य दिखाया जिसमें उन्होंने साबित ये किया कि जो उनका मेजॉरिटी वाली जो कम्युनिटी है उसने सोचा कि हम सत्ता का पूरा अधिकार अपने पास रखेंगे, देश के सारे अधिकार अपने पास रखेंगे, जो भी बेनिफिट्स हैं वो हम खुद के लिए रखेंगे और बाकी जो अदर कम्युनिटीज़ हैं हम उसको अनदेखा कर देंगे। लेकिन इससे होता क्या है, होता ये है कि जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनके मन में कभी ना कभी इस चीज़ को लेकर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि भाई हमारी सारे इंटरेस्टेड को अनदेखा किया जा रहा है और धीरे धीरे हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। और श्रीलंका में यही देखने को मिला, कई वर्षों तक वहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, सिविल वार छिड़ी रही, गृहयुद्ध हुआ, कई लोग मारे गए, कईयों का घर छिन गया और अंततः उनको करना वही पड़ा जो ब्रुसेल्स उसने पहले कर लिया था। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे।